नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ईमानदारी की बहुत सी मिसालें आपने देखी और सुनी भी होंगी, लेकिन आज के इस दौर में ऐसी ईमानदारी आपने न देखी होगी और ना ही सुनी होगी जैसी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस ईमानदारी को सुनने के बाद आप सोच सकते हैं कि आज भी इंसानियत कैसे जिंदा है, जहां रोज काले गोरे हिंदू मुसलमान जमीन जायदाद के लिए लोग खून बहाते हैं, बेईमानी करते हैं, और इस समय इतनी बड़ी ईमानदारी की मिसाल आपको मिल जाए तो आप चौंक ही जाएंगे। तो आज हम आपको एक ऐसी ही मिसाल की खबर बताने जा रहे हैं, जहां अमेरिका से एक शख्स आकर 68 साल के बाद अपने कर्ज को वापस करता है। यही नहीं, उस 28 रुपए के कर्ज का ब्याज भी वो देता है। जी हाँ, नौसेना में बहादुरी का पुरस्कार पाने वाले कमोडोर B.S. उप्पल रिटायर होने के बाद अपने बेटे के पास अमेरिका में रहने लगे थे, लेकिन उनके दिल में एक बात खटकती रही। उसी बात को खत्म करने के लिए उप्पल अमेरिका से चलकर हिसार आ गए और हिसार के मोती बाजार स्थित दिल्ली वाला हलवाई के पास पहुंचे और दुकान के स्वामी विनय बंसल को एक बात कही कि तुम्हारे दादा शंभु दयाल बंसल को मुझे 1954 में 28 रुपए देने थे, परंतु मुझे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया और नौसेना में भर्ती हो गया। उसके बाद मैं आपकी दुकान से खाए पैसे नहीं दे सका। भर्ती होने से पहले आपकी दुकान पर मैं दही की लस्सी में पेड़े डालकर पिया था, जिसके 28 रुपए बाकी हैं। फौजी सेवा के दौरान हिसार आने का मौका नहीं मिला और रिटायर होने के बाद मैं अमेरिका अपने बेटे के पास चला गया। वहां मुझे हिसार की दो बातें हमेशा याद रहती थी, एक तो आपके दादाजी के 28 रुपए देने थे और दूसरा मैं हरजी राम हिंदू हाई स्कूल में 10वीं पास करने के बाद नहीं जा सका था। आपकी राशि का उधार चुकाने और अपनी शिक्षण संस्था को देखने के लिए मैं विशेष रूप से हिसार आया हूँ। फिर B.S. उप्पल ने विनय बंसल के हाथ में 10,000 की धनराशि दे दी, लेकिन दुकानदार ने लेने से इनकार कर दिया। तब उप्पल ने आग्रह किया कि मेरे सिर पर आपकी दुकान का कर्ज है, इसे लेकर आप मुझे मुक्त कर दें। मैं अमरीका से यह बकाया देने आया हूँ, मेरी उम्र 85 साल है, कृपया इस राशि को स्वीकार कर लो। तब दुकान मालिक ने मुश्किल से उस राशि को स्वीकार किया तो उप्पल ने राहत की सांस ली। उसके बाद अपने स्कूल में गए और बंद स्कूल को देखकर निराश लौट आए। इससे आप समझ सकते हैं कि ईमानदारी कैसी है और क्यों है, और इस घटना से ईमानदारी को देखा, सुना और समझा जा सकता है।